आगे बढ़ेंगे जयपुर से। अगली बड़ी खबर, एसएमएस अस्पताल से एक 4 महीने का बच्चा गायब हुआ, उसे किडनैप करने का मामला जो सामने आया। ये बता दें कि जयपुर पुलिस मुस्तैदी से अब बच्चे की तलाश में जुटी है, किडनैपर्स की तलाश में जुटी है। ये बता दें कि अस्पताल के अंदर और बाहर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, 90 के करीब बताए गए हैं सीसीटीवी कैमरे अस्पताल के परिसर के अंदर लगे हैं, लेकिन उनमें से एक फुटेज सामने आया है। उस फुटेज में वो व्यक्ति दिखा जिसने इस बच्चे को चोरी किया, किडनैप किया। आसपास के आदतन अपराधियों को संदिग्ध मानते हुए पुलिस अब पूछताछ में जुटी है। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं, 90 कैमरों में से एक कैमरे में कैद हुई है तस्वीर। लाल टी शर्ट में और जीन्स में, मुंह पे मास्क है, फेस मास्क है। आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, ये जो हुलिया है, इस शख्स का कैसे पहचान हो पाएगी, पुलिस कैसे अब तलाश में जुटी है? आशुतोष गगन, देखिए सबसे बड़ी चुनौती इस समय जयपुर पुलिस के सामने ये है कि जो कैमरे हैं, जी देखिए, सबसे बड़ी जो चुनौती है जयपुर पुलिस के सामने इस वक्त वो ये है कि जो यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, 90 कैमरे जरूर एसएमएस अस्पताल के परिसर में लगे हुए हैं, लेकिन वो अंदरूनी क्षेत्रों में लगे हुए हैं। बाहरी जो क्षेत्र है, जो यहाँ से एग्जिट करने हैं, मेरे सहयोगी देव को कहूँगा कि वो सामने पार्क दिखाएं जहाँ पे ये जो दादी हैं अपने उस 4 महीने के जो पोता दिव्यांश था उसको यहाँ पे छोड़ के गई थी उसी शख्स के साथ में, जो उस परिवार के साथ में पूरी तरीके से घुल मिल गया था। अब पहले उसने परिवार का जो विश्वास था वो जीता और फिर उसको विश्वास में लेके ही बच्चे को लेके यहाँ से फरार हो गया। इस पूरे मामले में अभी जो पहला सुराग पुलिस के हाथ लगा है, जो शुरुआती जो जानकारी सामने आई है वो ये कि 5 नंबर गेट जो कि बांगड़ का है, वहाँ से उस बच्चे को एग्जिट करके लेकर गए हैं। अब ये तमाम जो लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये वो लोग हैं जो अपने अपने काम से, उनके घर परिवार के लोग यहाँ भर्ती हैं, कुछ अपने अपने काम से आए हुए हैं। कैमरा या मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ कैमरा, लाइट्स वगैरह सब, या तमाम जो संसाधन है वो मौजूद है, लेकिन जो उसका मूवमेंट है आरोपी का, वो सिर्फ और सिर्फ एक जगह सही तरीके से कैद हुआ है। अभी आसपास के जो इलाके हैं एसएमएस अस्पताल के, यहाँ पे जो आदतन अपराधी हैं, जो आदतन नशेबाज होते हैं ऐसे लोगों को, या आदतन जो अपराधी हैं उनको भी डिटेन किया जा रहा है, उनको हिरासत में लेके पुलिस अपनी पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी तक कोई बहुत बड़ा सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। इस समय तमाम जो यहाँ पे लोग हैं उनमें बड़ी चिंता का विषय है कि अगर यहाँ से बच्चा अपहरण हो सकता है किसी भी बच्चे का, तो कैसे घर परिवार के लोग यहाँ पे सुरक्षित हैं। आपको जानकारी मिली इस पूरे घटनाक्रम की, यहाँ से बच्चा गायब हुआ है, बच्चे का अपहरण हुआ है, आप लोगों को चिंता है? आपके कुछ लोग अंदर भी होंगे, आपके परिवार के सदस्य, कितनी चिंता है? ऐसा यहाँ होना नहीं चाहिए और पुलिस को भी इसकी पूर्ण रूपेण जानकारी करनी चाहिए। आपका कौन यहाँ पे भर्ती है और आपको पता चला इस पूरे घटना के बारे में कि यहाँ से बच्चा गायब हो गया है? पता चला सर, लेकिन ये बहुत आश्चर्यजनक घटना है कि एसएमएस अस्पताल में ऐसा हो, ये बहुत बड़ी दुख की घटना है। देखिए अभी तमाम माँ बाप यहाँ पे, या जो भी शख्स परिवार के यहाँ मौजूद हैं जिनका पारिवारिक सदस्य अस्पताल में भर्ती है, वो इस विश्वास के साथ में आते हैं कि उनका मरीज तो ठीक होगा ही होगा, लेकिन उस बच्चे का सोचिए जरा कि चार महीने का एक छोटा सा, एक बहुत छोटा सा बच्चा जो है किडनैप कर लिया गया, इस वक्त कौन सी स्थिति में होगा, कैसे हालातों में होगा, रो रहा होगा अपनी माँ के लिए, माँ तड़प रही होगी, परिवार तड़प रहा होगा इस वक्त। जाहिर सी बात है कि मैं बहुत छोटा बच्चा जिसको किडनैप किया गया है। अब देखिए बिल्कुल, अभी हालांकि परिवार से हमारी बहुत स्पष्ट बातचीत नहीं हो पाई है, लेकिन परिवार की जो मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं है। देखिए एक बड़ा कारण तो ये कि ये जो बच्चा 4 महीने का दिव्यांश है जिसका अपहरण हुआ है, उससे जो बड़ा उसका भाई था, तकरीबन 4 से 5 वर्ष की उसकी उम्र बताई जा रही है, उसके न्यूरो से जुड़ी कोई ना कोई दिक्कत थी जिसका इलाज इसी एसएमएस अस्पताल के बांगर परिसर में चल रहा था, और इसी विश्वास के साथ आए थे कि यहाँ पे इलाज हो जाएगा। लेकिन ये जो शख्स मिला जिसने अपहरण किया है, इसने दादा दादी को ये विश्वास दिलाया कि उसके परिवार का सदस्य भी यहाँ पे बीमार हुआ था, उसका इलाज कराया है, वो चिकित्सकों से उसकी अच्छी खासी जानकारी है, और यही विश्वास उसने उन परिवारजनों का जीत लिया, और उसके बाद में दादी इसी विश्वास के साथ में अपने बड़े पोते के लिए खाना देने के लिए विश्वास का फायदा उठाकर विश्वासघात इस परिवार के साथ किया गया है। सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि बहुत छोटा है बच्चा,
कैसे अपने परिवार के बिना रह रहा होगा, किडनैपर उसको चुरा कर ले गया, किडनैप करके ले गया, किन हालातों में इस वक्त बच्चा होगा, एक बड़ी चिंता का विषय है। और भगवान के आगे हम यही दुआ करेंगे कि यह बच्चा सकुशल अपने माँ बाप की गोद में वापस अपने घर वापस आ जाए। आशुतोष, इस खबर के साथ लगातार जुड़े रहिएगा, जानकारी आपसे लेते रहेंगे।